ग्राम पंचायत को यहाँ तक लाने में बहुत मेहनत किया है। अपनी ग्राम पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए हमने सर्वप्रथम अपनी ग्राम पंचायत के महानुभावों से, टीचर्स और अन्य मतलब बड़े बड़े व्यक्तियों से चर्चा की। हमने अपनी ग्राम पंचायत की एक DPR बनाई है सर्वप्रथम। उस DPR को बनाते बनाते हमने अपनी ग्राम पंचायत में जो हमारी ग्राम पंचायत के जो सर्वप्रथम मतलब कार्य किए जाते हैं, पहला जिसको मतलब पहली प्रायोरिटी दी जाती है, वो कार्य को चुना कि किस तरह से हमें सबसे पहला कार्य कौन सा करना है। इस तरह से हमने एक अपनी DPR बनाई है ग्राम पंचायत में, जो कि 5 सालों की बनाई है हमने एक साथ, मतलब सबके समन्वय से। सांसद निधि से हमने अपनी ग्राम पंचायत में 25 करोड़ का कार्य करवाया है, जो कि हमारी ग्राम पंचायत में कृषि के तहत हमारे गांव के लोगों को बहुत दिक्कत होती है जंगली जानवरों से, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत के चारों तरफ जंगल है। उस जंगल से जंगली जानवर उनकी फसलों को नष्ट कर देते थे। इस तरह से हमारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में जो जंगल के चारों तरफ एक बड़ी दीवार का निर्माण करवाया। मेरा नाम मुकेश चौहान है, मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ। पहले यहाँ पे काफी मतलब जैसे ये जब ये लगा है, इससे पहले मतलब यहाँ कचरा कोई भी कहीं भी डाल देता था मतलब रोड में, क्योंकि हमारे पास वो नहीं लगे हुए थे, ये बॉक्स नहीं लगे थे। अब जब से ये लगे हुए, हर कोई घर में आके मतलब घर के आगे ये लगा हुआ, वहाँ हम कचरा उसमें डंप करते हैं। महीने में एक बार हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली रखी हुई है, उसको सारे डब्बों को खाली करके हम एक जगह उसको कहीं जगह एक जगह जंगल में डाल देते हैं, मतलब एक जगह में डंप कर देते हैं। तो तब से कचरे की बहुत वो हुआ, मतलब पहले जो था उससे बहुत फर्क पड़ा है। और इसके साथ साथ आज हमें एक और पुरस्कार, भारत सरकार ने एक और पुरस्कार से नवाजा गया है, वह है दीनदयाल ग्राम पंचायत पुरस्कार, कि हमने अपनी ग्राम पंचायत में किस तरह से उत्कृष्ट कार्य किए हैं, अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वो हमने अपनी ग्राम पंचायत में देखा कि हमारे ग्राम पंचायत में गरीब जनता भी रहती है, कुछ अच्छे परिवार भी हैं, मतलब संपन्न परिवार भी हैं, कुछ गरीब लोग भी हैं। तो उसको देखते हुए हमारी ग्राम पंचायत में एक छोटा सा सामुदायिक भवन था, मतलब जहाँ पर लोग शादियाँ करवाते थे, उन्हें टेंट बाहर से लाकर टेंट लगवाना पड़ता था। उसके लिए जो गरीब जनता है वो परेशान रहती थी, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना हम अपनी ही ग्राम पंचायत में उस भवन को इस तरह से बनाया जाए कि उनको बाहर से कोई भी चीज़ ना लानी पड़े और अपने ही गांव में उन्हें उपलब्ध हो जाए। तो इस तरह से हमने अपनी ग्राम पंचायत में एक सुंदर, स्वच्छ और बहुत ही अच्छा सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया, जो कि आज आपने देखा होगा कि बहुत सुंदर लग रहा है। वहां पर शादियां होती है, पार्टियां होती है, समय समय पर मीटिंग्स भी होती है। और इसके साथ साथ जो आज हमें बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार मिला है, उसके लिए हमने अपनी ग्राम पंचायत में छोटे बच्चों के लिए बहुत कुछ कार्य किया है। जैसे कि हमारा एक प्राइमरी स्कूल है गांव में, उस पे हमने बच्चों के लिए बैठने के लिए, पहले जब वो खाना खाते थे तो उनके लिए बैठने के लिए कोई मतलब ऐसी उचित स्थान नहीं था, वो ऐसे ही मैदान में बैठ जाते थे। तो उसके लिए हमने एक मिड डे सेट बनवाया, जो कि बच्चे आज वहाँ पर बैठते हैं और बहुत खुशी खुशी खाना खाते हैं। उनके लिए पंखे भी लगवाए हैं वहाँ पर, कि ताकि बच्चे गर्मी में अपना भोजन ना कर सकें।
तो इसके साथ साथ हमने स्कूल में बच्चों को शौचालय भी बनवाए। बच्चे पहले मतलब ऐसे ही टूटे फूटे एक आध टॉयलेट था, तो हमने देखते हुए कि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है ये है, फिर हमने गर्ल्स का अलग और बॉयज़ का अलग टॉयलेट बनवाए हैं। स्वच्छता के साथ साथ हमने बच्चों को जल का भी, स्वच्छ जल किस तरह से मतलब बच्चों के लिए मुहैया करवाया जाए उसका भी प्रबंध किया है। उसके लिए हमने उनके लिए कैंट लगवाए हैं, टंकियां लगवाई है और स्वच्छ जल का प्रबंध किया है। तो इसके लिए हमें सरकार ने बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि उत्तराखंड में एक हमें एक ही पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वो कि हमारी ग्राम पंचायत टिहरी डोबनगर को प्राप्त हुआ है। अपनी ग्राम पंचायत को और सशक्त बनाने के लिए समय समय पर हम रैलियां भी निकालते रहते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समय समय पर लोगों को जानकारी देते हैं, बच्चों के माध्यम से ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर के समूह को साथ लेकर चलते हैं। इनके तहत हमने अपनी ग्राम पंचायत को रैलियों के माध्यम से सशक्त बनाने की कोशिश की है। बालिकाओं के लिए हमने एक कार्य किया है, बालिकाओं को मतलब सैनिटरी नैपकिन पैड की ट्रेनिंग दिलवाई है 3 दिवसीय। उसके लिए बच्चों को जन जागरूकता फैलाने के लिए हमने एक ट्रेनिंग दिलवाई है कि बच्चों को किस तरह से अपनी साफ सफाई रखनी है, किस तरह से किस चीज़ का यूज करना है, क्योंकि गांव की जनता है, गांव के बच्चे हैं, उन्हें इतना जानकारी नहीं है कि किस तरह से रहना है, किस तरह से क्या करना है। तो इस तरह इसके लिए हमने एक 3 दिवसीय ट्रेनिंग दिलवाई है। हमारे ग्राम पंचायत में 5 समूह है और हमारे समूह बने थे 2018 में, 15 जनवरी से 2018 में। तो हमारी महिलाएं पहले मतलब बैंक में जाने के लिए भी घबराती थी कि हम मतलब लेन देन कैसे करें, अपने खाते में अपना ही पैसे निकालने के लिए डरती थी। तो जब हमारा समूह बना तो हमारा वहाँ पे 12-11 महिलाओं का या 10 महिलाओं का एक एक समूह बना है। तो हमारे यहाँ पे 5 समूह में 57 महिलाएँ हैं और सबके सब बचत करती हैं, 25 रुपये साप्ताहिक बचत, और मंथली हमारे मीटिंग होती है महिलाओं की अपने अपने समूह की। और भविष्य के लिए जो हमने योजनाएं बनाई हैं अपनी ग्राम पंचायत में, उसमें हमने एक तो सीसीटीवी कैमरे चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने, जो कि हमारे ग्राम पंचायत के बाहर से आने वाले कोई अराजक तत्व उन पर नज़र रख सके, उसके लिए हमने भविष्य का प्लान बनाया है। और अपनी ग्राम पंचायत में एक हमारी ग्राम पंचायत के पास में ही एक नाला है, गंदा नाला है, उसको हम सोच रहे हैं कि मतलब भविष्य के लिए हम उसको कवरिंग करके अच्छे से वहाँ पर एक पार्क की व्यवस्था की जाए। जैसे कि गाँव के बड़े बुजुर्ग होते हैं, बाहर घूमने निकलते हैं, वहाँ उनके लिए बैठने के लिए हो, तो लोग बातें करें तो उनको भी अच्छी फीलिंग आए। स्वास्थ्य के प्रति, स्वास्थ्य को देखते हुए हमने अपनी ग्राम पंचायत में, जैसे हमारे ग्राम पंचायत के सभी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ यंगस्टर हैं, तो उनके लिए भी हमने सोचा है कि मतलब ओपन जिम का एक योजना बनाई है कि ओपन जिम डाला जाए, तो उसके लिए उनके स्वास्थ्य को फ़ायदा मिले और मतलब ना ही कुछ देना पड़े, ना कुछ लेना पड़े उसके लिए, और उन्हें फ़ायदे मिले, ये भी हमारी एक योजना में शामिल है।